नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा वर्मा। लॉकडाउन 4 में राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी होने के एक दिन बाद मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा छूट और पाबंदियों को लेकर घोषणा करने के बाद बुधवार को खुली दुकानों का निरीक्षण करने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने असुरन गीता वाटिका रोड स्थित सिद्धि विनायक मार्ट और छाया टाकीज के पास V2 मार्ट के पास ई पास ना होने और दुकान खोलकर बिक्री करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर दोनों मार्ट को सील कर दिया है। आपको बता दें, बुधवार से ऑड इवन के फार्मूले पर बाजार खुल गई। कुछ तरह की दुकानें एक दिन खुलेंगी तो दूसरे दिन बंद रहेंगी। वहीं कुछ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें सातों दिन खुलेंगी। कुछ नई सुविधाओं को भी इस चरण के लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है। अब मिठाई, बेकरी, मीट मछली, अंडा की भी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वह सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। वहीं कपड़े की दुकानों समेत कई अन्य सामग्रियों से जुड़ी दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही निकल सकेंगे। इसको लेकर धारा 144 लागू है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए कल ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें किस किस दिन कौन कौन दुकानें खुलेंगी और किस समय खुलेंगी, इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं। उसी क्रम में आज बड़े शहर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पे शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिद्धि विनायक मार्ट है, वो पहली बात तो उसको होम डिलीवरी करने की परमिशन थी, तो वहाँ पर अत्यधिक भीड़ लगी हुई पाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का वहाँ पालन नहीं हो रहा था। तो इसके अलावा वहाँ पर उपस्थित लोग जो थे मास्क नहीं लगाए हुए थे, तो और अन्य कई सारी कमियाँ थीं। तो इन कमियों को देखते हुए उसको तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है। और इसके अलावा है कि उनको आगे कार्रवाई तो नोटिस भेजी जा रही है। इसके अलावा शाहपुर थाने अंतर्गत यहाँ पे वी मार्ट है, वहाँ पे भी कार्रवाई की गई, क्योंकि वहाँ भी जिस चीज़ की परमिशन नहीं थी वो चीज़ बेचा जा रहा था, तो इसीलिए इन दोनों दुकानों पर कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा कोतवाली क्षेत्र की दुकानों का भ्रमण किया गया और साहबगंज मंडी का भ्रमण किया गया। तो हर जगह लोगों को बताया गया कि ये रोस्टर में इसी दिन दुकानें खुलनी है और इस समय तक खुलनी है और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। तो बाकी जगह तो व्यवस्थाएं करीब करीब ठीक मिली, पर इन दोनों जगहों पे काफ़ी अव्यवस्था देखने को मिली, जिस कारण इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सर, आपको 7 बजे के बाद निकलने के बाद में भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं? हाँ, जिलाधिकारी महोदय का एक विस्तृत आदेश हुआ है इस संबंध में कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक के लिए जो घर से बाहर नहीं निकलना है, इस संबंध में 144 अलग से अपर जिलाधिकारी नगर के माध्यम से लगाई जा रही है।